नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं SSC CGL एग्जाम का, जो कि 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। और एक बार, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है कि भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था कौन? औरंगजेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद नंबर आता है औरंगजेब का। तो ये छठे नंबर का मुगल शासक था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1707। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जाट जट्टिन। ठीक है, जाट जट्टिन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य बिहार के हम और यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका विदेशिया, ठीक है, विदेशिया झुमरी डांस, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य और पाइका नृत्य। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी बिहार राज्य से, बिहार राज्य के लोक नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? फ्रेंच ओपन। अभी फ्रेंच ओपन से पूछा गया है, आगे आने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन और विंबलडन ओपन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके एडिशनल फैक्ट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच किस तारीख को हुआ था? एग्जैक्ट डेट यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 30 मई से 13 जून 2021 तक जो है ये आपका चला था। इट वॉज हेल्ड एट द स्टेट रोलैंड गैरियर्स इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 30 मई से 13 जून 2021। ठीक है, और इसमें क्या, नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 2021 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 13 जून 2021 को। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस का खिताब कौन जीता था? तो ये इंपॉर्टेंट है, जोकोविच। ठीक है, जोकोविच भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो अभी क्या पूछा गया था? 13 जून 2021 का, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो है ये दोनों क्या है? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पे खेला जाता है। ठीक है, और विंबलडन ओपन जो है घास पे खेला जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन रेंज जो है ये जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं अभी। ठीक है, पंचवर्षीय से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कभी प्रथम पंचवर्षीय योजना, कभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो अभी क्या, पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम कितना था? तो 1974 से 1978 तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। पांचवीं जो है पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। ठीक है, योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पंचनाद ही एक स्थल है जहाँ पर पाँच नदियों का संगम है। ठीक है, पाँच नदियों का संगम है। ये कौन कौन सी पाँच नदियाँ हैं? तो रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, ये पाँच नदियों का जहाँ पे संगम होता है उसको हम कहते हैं पंचनद। और ऑप्शन आपका इनमें से कोई तीन ऑप्शन में दिया गया था, और चौथा ऑप्शन क्या था? इंडस, सिंधु नदी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी जो है पाँच नद में शामिल नहीं है। ठीक है, पंचनद में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? लिटरेसी रेट से क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका है? तो केरल की साक्षरता जो है दर सबसे ज़्यादा है, और केरल की साक्षरता दर 94% है। ठीक है, और ये सबसे अधिक है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 96.11%, और महिला साक्षरता दर कितनी है? 92.07% है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर की अगर बात करें तो 74.04% है। इसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14 है। ठीक है, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 82.14 है। महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 64.46% है। ठीक है, और बिहार जो है साक्षरता दर की श्रेणी में सबसे अंतिम पे है। ठीक है, इसकी साक्षरता दर कितनी है? 63.8%। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या, किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों मिला हुआ है? ठीक है, ऑस्कर मिला हुआ है और ग्रैमी अवार्ड दोनों किस
संगीतकार को मिला है। तो ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी फिल्म की के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, गलत लिखा गया, ये हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड, इसके साथ कितने, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर कोई अगर डबल बॉन्ड हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड कहीं पर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर बात करें C2H2 की बात करें, C2H4 की बात करें, जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता आपस में द्वि आबंध अथवा त्रि आबंध बनाते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुटी रहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, C2H2 या फिर C2H4। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। नेक्स्ट क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, 29 अगस्त 2019 को किसके द्वारा शुरू किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको शुरू किया, किस वजह, किस लिए, शारीरिक फिटनेस, ठीक है, को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट। और ये नेशन वाइड मूवमेंट था। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 से ये जो है दिया जा रहा है। ठीक है, कालिदास सम्मान 1980 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सेंचुरी मतलब ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में टोटल कितने टैक्स लगाए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 टैक्स लगाया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये 3 टाइप से टैक्स में कौन कौन से हैं आपके, रेसिडेंस यानी आवासों पर जो कर लगा था उसको क्या कहा जाता था, गराई कहा जाता था, खराज, खराज या फिर इसको कहते हैं हम लैंड टैक्स, मतलब ज़मीन पे जो टैक्स लगता था उसको खराज कहा जाता था, आवासों पे जो टैक्स लगता था उसको गराई कहा जाता था, और जजिया एक टैक्स था जो पोल टैक्स था। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, हु सेड दैट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी किस ऊतक से बनती है। तो ये बनती है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं। तो ये है आपका इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट पहलू हैं किसके, लोकतंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, तो ये संगरूर पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया। CBG का क्या फुल फॉर्म हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी संपीड़ित बायोगैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे, महात्मा गांधी को जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, देश यानी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस देश योजना को अप्रैल 2022 में भारत में किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 3 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो एनालिसिस जरूर देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।